तो हेलो मराठा फैमिली दोस्तों, होंडा बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपनी यूनिकॉर्न 160 के नए मॉडल को 2023 मॉडल को बहुत सारे नए चेंजेस के साथ, बहुत सारे नए अपडेट के साथ बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करने वाला है। आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि होंडा अपनी यूनिकॉर्न 160 के नए मॉडल में क्या कुछ नए अपडेट करने वाला है और इस बाइक का 2023 मॉडल इंडिया में कब तक लॉन्च हो जाएगा, इस बाइक का प्राइस कितना देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, होंडा की यूनिकॉर्न 160 एक बेस्ट माइलेज बाइक है। इस बाइक को होंडा ने 2004 में लॉन्च किया था और तब से लेकर आज तक इस बाइक में कुछ कंपनी ने खास चेंजेस नहीं किए हैं। तो फाइनली कंपनी इस बाइक में बहुत सारे नए चेंजेस करने वाली है, इस बाइक के लुक को कम्प्लीटली चेंज करने वाली है। अगर हम इस बाइक के सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करें तो वो होगा इस बाइक के हेडलाइट में। अब कंपनी इस बाइक के हेडलाइट के डिजाइन को चेंज कर इस बाइक में बिल्कुल नया हेडलाइट का डिजाइन प्रोवाइड करवाने वाली है, जो की कम्प्लीटली आपको LED में देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के दूसरे अपडेट के बारे में बात करें तो वो होगा इस बाइक के इंडिकेटर में। फिलहाल इस बाइक में आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी इस बाइक के इंडिकेटर्स को चेंज कर अब इस बाइक के 2023 मॉडल में LED इंडिकेटर का सेटअप प्रोवाइड करवाने वाली है, जो कि बाइक के लुक को काफी ज्यादा एनहांस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के तीसरे अपडेट के बारे में बात करें तो वो होगा इस बाइक के मीटर कंसोल में। कंपनी अब इस बाइक के मीटर कंसोल को चेंज कर इस बाइक में TFT डिस्प्ले वाला कलरफुल मीटर कंसोल प्रोवाइड करवाने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। और इस मीटर कंसोल में आपको काफी सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम इस बाइक की चौथी अपडेट के बारे में बात करें तो कंपनी अब इस बाइक में स्मार्ट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर प्रोवाइड करवाने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फीचर होने वाला है। अगर हम इस बाइक के पांचवें अपडेट के बारे में बात करें तो बाइक में नए कलर, नए ग्राफिक्स और नई थीम का नया कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। कंपनी बाइक के टैंक के फेयरिंग स्टाइल को बिल्कुल ही चेंज करने वाली है। अब इस बाइक में बिल्कुल नया फेयरिंग स्टाइल और फेयरिंग डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। कंपनी इस बाइक में फुली स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करवाने वाली है। तो फाइनली अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट और इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो बाइक में अगर इतने सारे अपडेट होंगे तो बेसिकली बाइक का जो प्राइस है आपको 10,000 से 15,000 रुपए ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1,25,000 के एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो कंपनी की तरफ से अभी तक इस बाइक का कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर सोर्सेस के हिसाब से बताया जाए तो ये बाइक आपको नवंबर के महीने में इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, आपको ये सारे अपडेट कैसे लगे हैं, आपका जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय और टेक केयर।